टैग्जिम ओ ड्राई सिरप जो कि जूसी ऑरेंज एंड लेमन फ्लेवर में आज हमारे पास है, जो कि इसके अंदर सिपिक्सिन 50 mg एंड 5 ml रहता है, और ये 53 रुपीज़ का एक सिरप रहता है जो कि यूज होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अंदर यूज होता है, और ये बच्चों को दिया जाने वाला एक सिरप है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, डोसेस, कब तक लेना पड़ता है और इसको लेने से क्या बेनिफिट है या क्या साइड इफेक्ट है, तो वो सब कुछ बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा ताकि आपको टैग्जिम ओज डाई सिरप के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। टैग्जिम ओ सिरप जो कि बनाया जाता है एल्कम लेबोरेटरीज के द्वारा बनाया जाता है। सिपिक्सिन इसके अंदर 50 mg एंड 5 ml रहता है। 53.84 रुपीज़ का ये पूरा ड्रॉप रहता है, सिरप रहता है, जो कि छोटे बच्चों को दिया जाता है। टैग्जिम ओ ड्राई सिरप जो कि जूसी ऑरेंज एंड लेमन फ्लेवर में रहता है, एक एंटीबायोटिक मेडिसिन इसके अंदर डाली गई है, जो कि सिपिक्सिन डाली गई है, जो कि बच्चों का ट्रीटमेंट करती है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ये ट्रीटमेंट करती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन आँख में हो सकता है, नाक में हो सकता है, कान में हो सकता है, थ्रोट में हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, स्किन में हो सकता है, या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में या यूरिनरी ट्रैक में हो सकता है, तो वहाँ पर यह काम करता है। तो टैग्जिम ओ ड्राई सिरप जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है, अगर आप इसको ज़्यादा ले रहे हो, डॉक्टर की सलाह से नहीं ले रहे हो, कंटिन्यूसली लिए जा रहे हो, तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि पेट में दर्द हो सकते हैं, बच्चे का एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, बच्चे को नोजिया हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, और उसका डायरिया वगैरह भी हो सकता है। तो इसको जब भी पिलाए तो डॉक्टर की सलाह से पिलाए, इसके लेबल को अच्छी तरह से पढ़ लें, इसको मेजर करके पिलाए, और इसके डिस्टिल्ड वाटर को मिक्स करके पिलाए और शेक वेल करके पिलाए, और फिक्स टाइम और फिक्स डोज में पिलाए ताकि बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो टैग्जिम ओ ड्राई सिरप काम कैसे करता है, तो इसके अंदर जो कंटेंट डाला गया सिपिक्सिन, वो एक एंटीबायोटिक है जो कि क्या करती है कि ये बैक्टीरिया के सेल्स वॉल को प्रिवेंट करती है, जिससे बैक्टीरिया को जो फूड रहता है खाने के लिए तो वो नहीं मिलेगा और बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा, तो बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होगा और बैक्टीरिया स्प्रेडेबिलिटी नहीं होगा, तो ऐसे काम करता है। तो इसके बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी हो वहाँ पर पूछ सकते हो। चैनल पर और वीडियो पर पहली बार आप विजिट किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।